नमस्ते दोस्तों, सो ये वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ESIC का पेमेंट करने के बाद हमें पेमेंट रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करना है और साथ साथ में चलन कैसे डाउनलोड करना है। चलन माने कि मंथली कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, जैसे कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में हमने कितना पेमेंट किया है और फॉर एग्जाम्पल हमें सितंबर में कितना पेमेंट किया है टोटल एम्प्लॉयज का, वो कैसे हमें डाउनलोड करना है ESIC के पोर्टल से, ये सब कुछ हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आपको ESIC के पोर्टल पे आना है और ये आपको मोजिला में ही ओपन करना है। फायरफॉक्स मोजिला में ही आपको ESIC का पोर्टल ओपन करना है। सो जो वेबसाइट का नाम है वो www.esic.in है और यहाँ पे हमें क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक हियर करेंगे। यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का आईडी पासवर्ड डालना है। सो हम यहाँ पे एम्प्लॉयर का आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे जो यहाँ पे दिख रहे हैं और इसके बाद में लॉगिन कर देंगे। तो मैं मेरा जो आईडी पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कर लेती हूँ। मैंने लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे हमें क्लोज करना है, यहाँ पे भी क्लोज करना है। क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे आई एग्री कर दीजिए। सो ये है हमारा ESIC का होम पेज जो एम्प्लॉयर का रहता है। सो सबसे पहले हमें रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए या फिर चलन डाउनलोड करने के लिए हमने जो पेमेंट किए हैं, हमें यहाँ पे आना है मॉडिफाई चलन के ऊपर। यहाँ पे हमें जाना है, पहले हमें हमारा जो चलन नंबर है वो देखना पड़ेगा कि कौन सा चलन नंबर है। सो आपको फॉर एग्जांपल मान लो कि सितंबर का हमें चलन डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे हम सितंबर डालेंगे और यहाँ पे हम ईयर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपका चलन नंबर दिखेगा और यहाँ पे डेट भी दिखेगा कि कौन सी डेट को आपने पेमेंट्स वगैरह किए हुए हैं और अमाउंट भी दिखेगी कंट्रीब्यूशन की। सो सिंपली यहाँ से हम चलन नंबर को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ये जो विंडो है उसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद में ये होम पेज है उसके यहाँ पे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे ऑनलाइन चलन डबल वेरिफिकेशन, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो चलन नंबर है उसको हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों, पेमेंट डिटेल्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और ये जो चलन है उसको हम PDF में सेव करेंगे। यहाँ पे PDF चूज करेंगे और यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेम देना है, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो ESIC का चलन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लेबर लॉ के डॉक्यूमेंट्स में भी देने पड़ते हैं, तो आप इसको सेव करके रख दीजिए। हर महीने के आपको ये डिटेल्स भी होनी चाहिए आपके पास। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉई है उनके अगेंस्ट में हमने कितना कंट्रीब्यूशन पे किया है, पूरी हिस्ट्री डाउनलोड करनी है। तो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई के अगेंस्ट में हमने इतना जो ESIC है वो पे किया है। सो इसके लिए हमें यहाँ पे ESIC के होम पेज में ही व्यू कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको फॉर एग्जाम्पल सितंबर का देखना है कि हमें जो भी एम्प्लॉयज का कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तो सितंबर सिलेक्ट करेंगे, ईयर सिलेक्ट करके व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखेगा कि आपने कितना कौन से एम्प्लॉय के अगेंस्ट में पेमेंट किया है, डेज आपको दिखेगा और जो रीजन कोड है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद में अगर हमें डाउनलोड करना है ये कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, तो हम यहाँ से प्रिंट करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम PDF सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+S और यहाँ पे हम लोग जो PDF फाइल है उसको सेव कर देंगे। मैंने ऑलरेडी की हुई है दोस्तों। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको PDF फाइल भी डाउनलोड करनी है, आपके एम्प्लॉयज का कितना कंट्रीब्यूशन है वो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करनी है एंड मंथली कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री डाउनलोड करना है। दोस्तों, अगर आप ESIC के प्रॉपर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या फिर आप अगर कोई कंपनी में जॉब करते हो और आपको खुद को ही आपकी कंपनी का ये फाइलिंग का रिटर्न सीखना है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम सभी वीडियोज अपलोड करते हैं और सब कुछ सिखाते हैं कि हम ESIC GST में रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं, पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी रहती है तो हम जो एरर वगैरह रहती है उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, ये सभी वीडियोस हम हमारे चैनल पे बनाते हैं। अगर आप ये सब टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कम से कम जरूर करना और कमेंट में जाके एटलीस्ट गुड जरूर लिखना। दोस्तों, आइए नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।